मच्छर, ऐसे खौफनाक जीव जिनके काटने के बाद आप सिर्फ खुजलाते ही रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो डायनासोर से भी पुराने हैं और ये अंटार्कटिक को छोड़कर किसी भी मुश्किल परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं। हाँ, ये छोटे उड़ने वाले जीव बहुत अनुकूल होते हैं। मच्छरों से आपका सामना तो जरूर हुआ होगा और शायद इस वक्त भी कोई मच्छर आपके आसपास आपको काटने की फिराक में हो। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमें काटते क्यों हैं और इन्हें हमारा खून पीने में क्या मजा आता है। मच्छरों की मौजूदा 3000 से ज्यादा प्रजातियों में से केवल मादा मच्छर ही इंसानों और बाकी मैमल्स का खून पीती हैं, और नर मच्छर केवल फलों और पौधों के रस पर ही जिंदा रहते हैं। अब आपके मन में एक अलग सवाल चल रहा होगा कि ये हमें ढूंढते कैसे हैं? वैसे कई सालों तक हम यही सोचते थे कि मच्छर हमें लाइट की मदद से ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो होती है शरीर की गर्मी। मच्छर इंसान के शरीर की गर्मी की वजह से आकर्षित होते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं उसका पता ये 20 मीटर की दूरी से ही लगा लेते हैं। वाह, क्या जासूसी मच्छर है ना? तथ्यों के अनुसार अपना पेट भरने के लिए मच्छरों को सिर्फ 4 मिनट लगते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? दरअसल जैसे ही इनका पेट भर जाता है, इनका शरीर खून को प्रोसेस करने लगता है और पानी को बाहर फेंक देता है, और इन्हें सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की ही जरूरत पड़ती है। और मादा मच्छर अपने शरीर के वजन से 3 गुना अधिक खून पी सकती हैं। क्या क्षमता है इनकी! लेकिन ये ऐसा करती क्यों है? ताकि वो अंडे देने की प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा कर सके, जिसके लिए उन्हें प्रोटीन और आयरन की जरूरत पड़ती है, और वो इन्हें इंसानों के खून से ही मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि वो एक बार में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 सुइयां आपको चुभाते हैं? तो जैसे ही मच्छर अपना शिकार ढूंढ लेते हैं, वैसे ही वो अपने प्रोबोस्किस को आपकी त्वचा में डालते हैं और रक्तवाहिका यानी ब्लड वेसल्स ढूंढनी शुरू कर देते हैं। अगर उन्हें पहली बार में वेसल्स नहीं मिलती तो उसके बाद भी वो उसे ढूंढते रहते हैं। इनके प्रोबोस्किस में 6 सुइयां होती हैं। उनमें से किनारे की 2 सुइयां तेज चाकू की तरह होती हैं, जो इंसान की त्वचा को काटने में मदद करती हैं। 2 सुइयां टिश्यूज को एक दूसरे से अलग रखती हैं, और उनमें से 1 सुई जिसे लेब्रम कहते हैं, वो ब्लड वेसल्स को ढूंढने में मदद करती हैं। इस सुई में 150 से ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं जो सही ब्लड वेसल्स को ढूंढने में मदद करते हैं, और इसी से वो खून भी चूसते हैं। बाप रे! अच्छा, क्या बता सकते हैं कि 6वीं सुई या हाइपोफैरिंक्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इस सुई से हमारी त्वचा में छेद किया जाता है और लार यानी सलाइवा छोड़ा जाता है, जिससे खुजली और चुभन महसूस होती है। मच्छर की लार में 100 से ज्यादा एंजाइम्स होते हैं जो लोकल एनेस्थीसिया का काम करते हैं और खून को जमने से रोकते हैं। लगभग सभी इंसानों को मच्छर की इस लार से एलर्जी होती है। जी हाँ, सही सुना, लगभग सभी इंसानों को। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं होती। भाई, वो तो बहुत खुशकिस्मत है। इंसान के शरीर से हिस्टामिन्स निकलते हैं, एक ऐसा रसायन जिससे त्वचा में खुजली और सूजन होती है, और व्हाइट ब्लड सेल्स जिन्हें लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, वो लार से लड़ने में मदद करती हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा सूज जाती है और खुजली होती है। मच्छर जो लार छोड़ते हैं उससे कभी कभी खतरनाक बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे मलेरिया, जीका, डेंगू और चिकनगुनिया आदि, जिससे करीब 10 लाख लोगों की जाने जाती हैं। बहुत बुरी बात है ये। इनके काटने से खुद को बचाने के लिए हम आपको एक टिप देते हैं। खुशबूदार मोमबत्तियां जलाइए, कुछ पौधे और हर्ब्स लगाइए, साथ में स्प्रेस और रिपेलेंट्स भी रखिए। एक बार करके देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये मच्छर आपसे कैसे दूर भागते हैं। धुंधले महासागरों, सॉइल इरोजन और बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम इंसान ही इस पृथ्वी से गायब हो जाएं तो क्या होगा? क्या समंदर में ढेर सारी मछलियां होंगी? वातावरण में बदलाव के कारण क्या हमारे शहर की इमारतें धूल से भर जाएंगी? आखिर हम सबका नामो निशान मिटने में कितना वक्त लग जाएगा? नहीं पता? तो कोई बात नहीं, क्यूरियस पंथी के पास है इसका जवाब। आइए जानते हैं कि अगर हम इंसान अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली बंद हो जाएगी, क्योंकि कोयला डालने वाला कोई होगा ही नहीं। और इतना ही नहीं, इंसानों के बिना हवा और पानी से चलने वाले बिजली घर भी ठप पड़ जाएंगे। अगले दिन बिजली ना आने की वजह से ज्यादातर परमाणु ऊर्जा खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, क्योंकि आगे कोई नुकसान ना हो इसके लिए उनका सिस्टम बहुत सुरक्षित बनाया गया है। लंदन, मॉस्को और न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में पानी भर जाएगा, क्योंकि टनल्स की देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा, और ऐसा सिर्फ 3 दिनों में हो जाएगा।
जू के सभी जानवर बाहर आराम से घूमने लगेंगे क्योंकि उन्हें रोकने वाला बिजली का पिंजरा काम करना बंद कर देगा और फिर वो शहरों में घूमने लग जाएंगे। 10 दिनों के बाद हमारे पालतू जानवरों को जिंदा रहने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पालतू कुत्तों को अब जंगल में ही रहने का तरीका ढूंढना होगा। बिल्लियों का भी यही हाल होगा, लेकिन क्योंकि वो खुद में काफी सक्षम होती हैं, इसलिए ऐसे माहौल में वो खुद को ज्यादा दिनों तक जिंदा रख पाएंगी। लाखों मुर्गियां, बकरियां और बाकी के जानवर भी मर जाएंगे क्योंकि उन्हें जंगली और मांसाहारी जानवर छोड़ेंगे ही नहीं। बिजली के जाते ही बैक्टीरिया, मोल्ड, कीड़े और सड़ाने वाले पदार्थ उन खाने के सामानों पर लगने लग जाएंगे जो किरानों की दुकानों में रखे होंगे। इसके बाद जब ये सामान खत्म हो जाएगा तो कीड़े और चूहे वगैरह जंगलों में जाएंगे और उनकी आबादी भी तेजी से खत्म होने लगेगी क्योंकि उन्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। 1 महीने बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जिस न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर किया जाता है, जिसे पानी की मदद से ठंडा रखा जाता है, वो भी सूख जाएगा। फ्यूल रॉड्स इतनी ज्यादा गर्म हो जाएंगी कि आग लग जाएगी और वो आग न्यूक्लियर फ्यूल तक पहुंचकर बहुत बड़ा धमाका कर देंगी और ये फुकुशिमा और चिनोबिल जैसी बड़ी घटना भी हो सकती है। इसके इलाके में आने वाले पेड़ पौधे और जानवर रेडिएशन की वजह से मर जाएंगे और जो बच भी गए उन्हें कोई ना कोई जेनेटिक बीमारी हो जाएगी। इंसानों के गायब होने के करीब 25 साल बाद पृथ्वी का करीब 75% हिस्सा हरा भरा नजर आएगा। सड़क के किनारे सिर्फ झाड़ियां ही नजर आएंगी। वहीं खाली पड़ी इमारतों में फूल और पेड़ पौधे उगते हुए नजर आएंगे। पानी के किनारे बड़ा शहर तो पूरी तरह से डूब जाएगा और जो पानी के जहाज डूब गए थे वो पानी के अंदर नई कोरल रीफ्स का घर बनाएंगे। करीब 30 सालों के बाद जिन सैटेलाइट्स को हमने अंतरिक्ष में भेजा था वो पृथ्वी पर आकर टकरा जाएंगी। हमारी मौजूदगी के बिना भी अगले 25 सालों तक ग्लोबल वार्मिंग होती रहेगी। पृथ्वी का तापमान 0.6 हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी पर्यावरण में काफी सुधार आएगा। अगले 60 सालों तक हम इंसानों ने जो समंदर के जीवों को नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई होने लग जाएगी। 150 सालों में सबसे विकसित शहरों में भी पौधे, धूल और मिट्टी ही नजर आएगी। कई शहर पूरी तरह से दफन हो चुके होंगे। लंदन फिर से दलदली शहर बन जाएगा और वैंकूवर जैसे शहर की इमारतें बर्फ जमने की वजह से देखने में किसी कंकाल जैसी नजर आएंगी। लास वेगस और दुबई जैसे शहर रेत में धसे नजर आएंगे, यानी प्रकृति का जो था उसे वैसा ही मिल जाएगा। 230 सालों में इंसानों के ना रहने के बाद जो वनस्पति हुई है उसकी वजह से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। इंसानों के अस्तित्व की सिर्फ एक ही निशानी रह जाएगी और वो होगी स्टील और प्लास्टिक। 300 सालों के बाद धातु से बना आईफिल टावर और स्टील ब्रिजेस देखरेख ना होने की वजह से जंग खाकर बिखर जाएंगे। इंसानों के गायब होने के 500 साल बाद पूरी दुनिया के जंगल काफी हरे भरे नजर आएंगे जो 10,000 साल पहले हुआ करते थे। कुदरती दुनिया इंसानों के अस्तित्व की हर एक चीज को मिटा देगी। 10,000 सालों के बाद इंसान के अस्तित्व की दुनिया को याद रखने के लिए एकमात्र चीज जो होगी वो है चट्टान पर नक्काशीदार कुछ कलाकृतियाँ, जैसे कि माउंट रशमोर या शायद पिरामिड, जो कई 100,000 साल तक ऐसे ही रह सकते हैं। हालांकि 25,000 साल बाद भी हम इंसानों द्वारा इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक के निशान नजर आ सकते हैं, लेकिन 500 लाख साल के बाद इनका भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। वैसे तो हम पल में ही यूं गायब नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने ग्रह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारी वजह से पूरी दुनिया में काफी प्राकृतिक बदलाव आए हैं। मानवता यहाँ हमेशा नहीं रहने वाली और ना ही हम रहने वाले हैं। हमने ये तो जान लिया कि हमारे बिना दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथ ही हमने ये भी जाना कि हमारे बिना भी ये चल सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। क्या हो अगर पूरी दुनिया से सारी मधुमक्खियां मर जाएं? कुछ का कहना है कि दुनिया में आग लग जाएगी और कुछ का कहना है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसे खत्म होगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यदि दुनिया की सभी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो इंसान सिर्फ अगले 4 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। डरावना है ना, लेकिन सच भी है। लेकिन मधुमक्खियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? और वास्तव में क्या होगा अगर सारी मधुमक्खियां मर गई तो? इंसान मधुमक्खियों को लेकर उलझन में रहता है। इनसे हमें शहद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही ये हमें दर्दनाक डंक भी मार सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये खास क्यों हैं? और अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं तो क्या होगा? खैर, हमें मोम और शहद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का सबसे खास समूह है और कुछ इस तरह काम करती हैं। मधुमक्खी रस चूसने के लिए फूल पर जाती है।
फूल से निकलने वाला पॉलन मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाता है। मधुमक्खी फिर उसी पॉलन को दूसरे फूल तक ले जाती है, जिसमें थोड़ा पॉलन उन फूलों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में चिपक जाता है और इस तरह पॉलिनेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। कई मधुमक्खियां तो इन फूलों के साथ विकसित होती हैं और फूल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर मधुमक्खियां पॉलिनेशन नहीं करेंगी तो पौधे खत्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लूबेरीज और चेरीज 90% तक मधुमक्खियों द्वारा किए गए पॉलिनेशन पर निर्भर करती हैं। इतना ही नहीं, हर रोज जो हम फल, सब्जियां, बीज और नट्स खाते हैं, उनके उगने में 70% काम मधुमक्खियां ही करती हैं। लेकिन सिर्फ पौधे ही नहीं है जो मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं, जानवरों को भी उन्हीं का सहारा है। वो अपने खाने के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं। अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं, तो धीरे धीरे जानवर भी नहीं बचेंगे। मधुमक्खियों की वजह से ही कई बीज, फल और बेरीज मिलती हैं, यानी कि ऐसा खाना जो जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी कारणों की वजह से हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और उसी से इंसानों की जिंदगियों पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर रहने वाले 780 करोड़ लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम जो 3 वक्त का खाना खाते हैं, उनमें से एक मधुमक्खियों की वजह से आता है। आज हमें जो खाना आसानी से मिल रहा है, उसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और सुपरमार्केट में फल और सब्जियां आधी मात्रा में होंगे। बहुत ही आम सी चीजें जैसे बादाम, सेब, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, खीरे और यहां तक कि कॉटन से लेकर अल्फा अल्फा के बीज जो डेयरी फीड के लिए उपयोग किए जाते हैं और मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन से ही मिलते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। जरा सोचिए, ये छोटी सी गड़बड़ हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है और भारी बदलाव आ सकते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार मधुमक्खियां नहीं होंगी तो पौधे नहीं होंगे, ना ही जानवर होंगे और ना ही इंसान। सोचकर डर लगता है ना? इससे भी डरावना ये है कि मधुमक्खियों की तादाद कम होती जा रही है। वैज्ञानिक और मधुमक्खियां पालने वाले लोग छतों को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मधुमक्खियों को बचाने का इतना ज्यादा प्रयास कभी नहीं किया गया था। मधुमक्खियों की कॉलोनी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है, जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका मतलब है अचानक मधुमक्खियों की पूरी पूरी कॉलोनी खत्म हो जाना और इनमें सिर्फ वही मधुमक्खियां बच रही हैं जो स्वस्थ हैं। मधुमक्खियों की विशाल संख्या हर साल मर जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इंसानों द्वारा किया गया जलवायु परिवर्तन, मधुमक्खी का खराब पालन और उनके रहने की जगह को ठीक से ना रखना, ये सारे कारण मधुमक्खियों की आबादी को खत्म कर रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? इसकी शुरुआत में हमारी आने वाली पीढ़ियों को मधुमक्खियों और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताना होगा। वो खतरनाक नहीं होती हैं, वो फूलों पर बैठती हैं और तब तक इंसानों पर हमला नहीं करती जब तक उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। उनके बारे में जानने से हमें उन्हें और समझने का मौका मिलेगा। चलिए बी फ्रेंडली पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियों को ढेर सारे पौधों की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना छत्ता बना सकें। हमें कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और स्वॉर्म्स को बचाना चाहिए। अगर आपको एक नजर आए तो अपने लोकल बी कीपर को बता दें, कम से कम एक छत्ते की देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। हम जानते हैं कि इनके डंक से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, लेकिन हमें इन प्यारी सी मधुमक्खियों की बहुत जरूरत है, तो इन्हें बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। कुदरत का ध्यान आप रखिए और कुदरत आपका ध्यान रखेगी। जिम्मेदार बनिए, अच्छे बनिए और हमेशा खुश रहिए। कैसा होता अगर इंसान उड़ सकता? बचपन में हम सभी चाहते थे कि हमारे पास कोई सुपर पावर हो। आपने किस सुपर पावर की कल्पना की थी? वैसे उड़ने की बात करें तो इंसान का हमेशा से उड़ने का सपना रहा है, क्योंकि हम पक्षियों को उड़ता हुआ देखते हैं या बचपन में हमने कई सुपर हीरो की फिल्म्स देखी हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इंसान सच में उड़ सकता तो क्या होता? एक, आप जहाज का सफर नहीं करते। यदि कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ान भरकर जा सकते तो फिर महंगे हवाई जहाज की क्या जरूरत? दूसरा, कारों से 70% एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन यानी वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। एक साल में 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। यदि हम उड़ सकते तो कारों और बसों की संख्या से अधिक मनुष्यों को उड़ते हुए देखते। इस प्रकार सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो जाती और लोग कम मरते। तीसरा, भारी ट्रैफिक से बच जाते। ट्रैफिक में घंटों समय बर्बाद नहीं होता और आप उड़कर घर पहुंच जाते, वो भी समय बर्बाद किए बिना। मजा आता ना? चौथा, अगर आप लेट हो रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, बस उड़ान भरकर आप समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। पांचवा, अगर आपका सपना है पूरी दुनिया घूमने का तो समझिए पूरा हो गया। आप कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, वो भी पैसों की चिंता किए बिना। छठा,
कार दुर्घटना में मरने की संभावना 5,000 में से एक है। इसका मतलब है कि हर साल दुर्घटनाओं में 12,50,000 लोग मारे जाते हैं। दूसरी ओर हवाई जहाज में 1 से 1,10,00,000 लोगों में से आप भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर इंसान उड़ सकता तो विमान दुर्घटना के दौरान मृत्यु दर 0 तक पहुंच जाती। सातवां, ऑर्डर करते ही आपका खाना 15 से भी कम मिनट में आपके घर पहुंच जाता। आठवां, लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड रखना असंभव होता और नागरिकता और सीमाओं की अवधारणा नहीं रह जाती। नौवां, भूमि परिवहन जिसमें 90 करोड़ कारें शामिल हैं कम हो जाएंगी और विमान का उपयोग केवल सामान ढोने के लिए किया जाएगा। दसवां, हर दिन 85,000 से अधिक विमान उड़ते हैं, यानी 2,61,54,000 लोग उड़ रहे हैं। अगर इंसान उड़ान भर सकता तो ये संख्या बढ़ जाती। हालांकि उड़ने के कई लाभ हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के लिए उड़ान भरना असंभव है, क्योंकि हमें शरीर को ऊपर उठाने के लिए कई गुना ज्यादा मांसपेशियों की ताकत की आवश्यकता होगी। हमारा शरीर बड़ा और भारी है, और अगर हमें पर्याप्त बड़े पंख भी मिल जाएं, तो भी हम खुद को नहीं उठा पाएंगे और न ही नियंत्रण बनाए रख पाएंगे। पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पंखों और पंखों की मांसपेशियों की ताकत उनके शरीर के आकार के साथ संतुलन में होती है। इसके अलावा उनकी हड्डियां खोखली होती हैं और पंखों पर भार कम हो जाता है। इंसान उड़ सके इसलिए अतीत में कई प्रयास किए गए हैं। लियोनार्डो दा विंची ने पक्षियों की उड़ान का भी अध्ययन किया और उसी से उन्हें रोमांचक व्यक्तिगत उड़ान उपकरणों के कई विचार भी आए। उसी के बाद जेट विमानों, हेलीकॉप्टरों और अंतरिक्षयान, ये सभी जीत इंसान ने हासिल की। इंसान अब भी उड़ान के नए साधन तलाश रहा है, तो अपनी जिज्ञासा को इसी तरह उड़ान भरने दीजिए। Thank you.